राधे राधे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंडियन आर्मी के ग्रुप सी की 158 पोस्ट वैकेंसीज के भर्ती के बारे में जानने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट 2022 फॉर पोस्ट 158। दोस्तों, नीचे कुछ वैकेंसीज दी गई है, जो भी इंडियन सिटीजन है, रहवासी है, वह इसको फिल कर सकता है। यहाँ पर सीरियल नंबर, नेम ऑफ द पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट ओपन के लिए SC, ST, OBC, EWS, ESM, PH के सबों के लिए यहाँ पे वैकेंसी है। दोस्तों, पे ऑफ मैट्रिक्स क्या होने वाली है और एज लिमिट क्या होने वाली है, सभी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक नंबर पर बार्बर, जिसकी नंबर ऑफ पोस्ट 9 है, और उसमें ओपन के लिए 4 पोस्ट है, SC के लिए 5, और यहाँ पर ST, OBC, EWS के लिए एक भी पोस्ट नहीं है दोस्तों, और ESM कोटा के लिए एक वैकेंसी है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा यहाँ पर 18 से 25 साल होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। चौकीदार के लिए दोस्तों यहाँ पर टोटल 12 वैकेंसीज है, और देख सकते हैं आप ओपन के लिए 3, SC के लिए 1, और ST और OBC के लिए 2 और 6 है। ESM कोटा जो है दोस्तों 4 का है दोस्तों, और सभी लेवल 2, 3, 1, 4 ही है, तो इसके लिए भी 25 साल होना जरूरी है 18 से। और LDC के लिए दोस्तों टोटल 3 पोस्ट है, जिसमें ओपन के लिए 2 और ST के लिए 1 है, और जो कोटा है वो 1 है, जिसमें लेवल 2 होने वाली है, और 18 से 25 साल आपको होना बहुत ज़रूरी है। सफाई वाले के लिए दोस्तों 35 वैकेंसीज है, जिसमें ओपन के लिए 13, SC के लिए 6, ST और OBC और EWS के लिए 2, 9, 5 है, और कोटा जो 0 है दोस्तों यहाँ पर लेवल 1 की है, और 18 से 25 आपकी एज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हेल्थ इंस्पेक्टर, जिसकी 18 वैकेंसीज है, और सबों के सब ओपन के लिए है, जिसमें जो कोटा है वो 3 का है दोस्तों, और जिसमें लेवल जो होने वाले है वो 4, और 18 से 27 साल सिर्फ इसी पोस्ट के लिए आपको होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद कुक के लिए 3 वैकेंसीज है, और सबों के सब ओपन के लिए है। ESM कोटा है, उसके लिए 1 ही है दोस्तों, लेवल 2 की होने वाली है, और इसमें एज जो होने वाली है आपको 18 से 25 होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेट के लिए दोस्तों यहाँ पर 8 वैकेंसी है, और जिसमें से 7 दोस्तों ये ओपन के लिए है, 1 ES के लिए है, और 3 कोटा के लिए है, जिसमें लेवल 1 है, 25 साल आपको होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वार्ड सहायिका है, जिसकी टोटल 53 वैकेंसीज है, और ओपन के लिए 22 है, और SC, ST, OBC, EWS के लिए 7, 6, 9 कोटे में जो है वो दोस्तों 0 है, जिसकी लेवल 1 और आपको 25 साल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वॉचमैन के लिए 17 वैकेंसी है, जिसमें से ओपन के लिए 7 है, SC, ST, OBC, EWS के लिए 2, 1, 4, 3 है, और जो कोटा है दोस्तों उसमें 2 है, और आपको इसमें भी 25 साल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पे ऑफ मैट्रिक्स बताई गई है, पे ऑफ मैट्रिक्स लेवल 1 के लिए दोस्तों 18,000 से 56,900 तक होने वाली है दोस्तों, और लेवल 2 के लिए दोस्तों यहाँ पर 19,900 से लेकर 63,200 तक होने वाली है, और लेवल 4 के लिए यहाँ पर 25,500 से 81,100 तक होने वाली है। मतलब यह आपकी सैलरी होने वाली है दोस्तों, लेवल के हिसाब से अलग अलग सैलरी होने वाली है। तो सफाई वाली एंड वार्ड सहायिका, वो सिर्फ फीमेल के लिए है। उसके बाद दोस्तों क्वालिफिकेशन क्या बताया गया है पोस्ट के लिए, जो क्वालिफिकेशन है वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। बार्बर के लिए आपको दोस्तों 10वीं पास आउट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी रिकॉग्नाइज बोर्ड के तरफ से। आपको इस पोस्ट के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चौकीदार के लिए आपको 10th क्लास पास आउट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ज़्यादातर पोस्ट के लिए। यहाँ पे LDC के लिए दोस्तों आपको 12th क्लास पास आउट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और इंग्लिश टाइपिंग यहाँ पर आपको आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी 35 वर्ड पर मिनट दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों और में एक चीज़ बताई गई है दोस्तों, आपकी इंग्लिश टाइपिंग नहीं है तो आप हिंदी टाइपिंग का भी उपयोग कर सकते हैं, वो भी 35 वर्ड पर मिनट के लिए ऑन कंप्यूटर। यहाँ पर सफाई वाली के लिए दोस्तों 10वीं क्लास पास आउट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हेल्थ इंस्पेक्टर के लिए आपको 10th क्लास पास आउट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादातर पोस्ट के लिए दोस्तों आपको 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, और आपको एक एडिशनल सर्टिफिकेट मांगी है, जो कि है सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। और कुक के लिए 10 पास होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इंडियन कुकिंग का नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों ट्रेड्समैन मेट के लिए, इसमें भी आपको 10वीं पास आउट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसमें भी आपको 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। उसके बाद दोस्तों वार्ड सहायिका के लिए आपको 10वीं क्लास आउट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, उसमें 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है दोस्तों। अब वॉशरमैन के लिए भी आपको 10वीं पास आउट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे प्लेस और डेट एग्जामिनेशन की आपको बताई जाएंगी दोस्तों, हर चीज़ की कॉपी होना बहुत ज़रूरी है, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, डोमेस्टिक या डोमेसाइल सर्टिफिकेट, नेशनैलिटी सर्टिफिकेट, इंडियन पासपोर्ट आपके पास होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट भी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो मोड होने वाला है वो एप्लीकेशन का, वो ऑफलाइन होने वाला है, और दोस्तों इसमें एग्ज़ाम होने वाला है, और एग्ज़ाम के लिए क्या क्या सब्जेक्ट होने वाले हैं वो भी इसमें बताया गया है दोस्तों। एग्जामिनेशन पेपर एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन,
ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पेपर आपके टोटल चार होने वाले हैं और उसमें चार सब्जेक्ट होने वाले हैं, और यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन बताया गया है, और हर क्वेश्चन के लिए दोस्तों एक ही मार्क है, और आपका टोटल टाइम ऑफ पेपर हो जो घंटे होने वाला है। और यहाँ पर दोस्तों पेपर एक दो तीन चार जो है दोस्तों, उसमें आपको जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग होने वाला है, ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाला है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यहाँ पे जनरल अवेयरनेस होने वाला है दोस्तों, वो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही है, जनरल इंग्लिश भी है, और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड भी है, जो कि है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसे हम गणित भी कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर एग्जाम दो लैंग्वेज में आने वाली है, जो कि है इंग्लिश और हिंदी। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी यह वीडियो समझ गई होंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।